इंदौर हादसा इन दिनों खूब चर्चा में है। दरअसल श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर पर बावड़ी की छत धसने से 50 से अधिक लोग बावड़ी में जा गिरे। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। अब इस मामले पर सियासत खूब गर्मा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे और अब कांग्रेस नेता कमलनाथ घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंचे। लेकिन इस दौरान मौजूद रिपोर्टर्स ने जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर सवाल किया तो उनका रिएक्शन सुनिए। प्रधानमंत्री का भोपाल दौरा है, क्या कहना चाहेंगे? अब प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, वो बताएंगे क्यों इसलिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या करेंगे। पीएम मोदी वहां क्यों आ रहे हैं और क्या करेंगे कहकर उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को घेरा और कहा कि उन्होंने पीड़ितों की नहीं सुनी। ये शिवराज सिंह जी सोचते हैं, अभी ये सब बात आप सबके सामने कह रहे थे कि शिवराज जी ने हमसे बात तक नहीं करी, हमारी बात नहीं सुनी। शिवराज जी सोचते हैं कि केवल इवेंट आपके मीडिया के सामने आ जाए, दो लाख बोल दे और मामला खत्म और मुआवजा दे दो, मुआवजा से सब कुछ साफ। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे और क्या कुछ कहा सुनिए। हम तो ये मांग करते हैं कि 7 दिन में अभी जो लोगों ने मांग रखी है सामने कि इस सब को डिमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए, और हम 7 दिन के अंदर नहीं किया, हम कोर्ट जाएंगे PIL में कि अपराधियों को दंडित किया जाए और इसको तोड़ा जाए। ये आज अवैध निर्माण का परिणाम है। लोगों ने सर क्या कहा, परिजनों से बात हुई आपकी? मेरी परिजनों से बात गई, उन्होंने कहा कि किस तरह वो जीवित निकले, उन्होंने अपनी बातें बताई और हमारी सरकार आएगी, हम रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे। हर ज़िले में, हर अपने बड़े नगरों में रैपिड रेस्क्यू फोर्स होनी चाहिए जो 15 मिनट के अंदर पहुंच जाए। यहाँ हमारी फौज आर्मी 12 घंटे बाद पहुंची, कोई प्रबंध नहीं, और इसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। फिलहाल इंदौर हादसे पर सियासत खूब गर्मा रही है। कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है।